विद्युदस्यां राश्य भोगान् सर्वेषां पश्चाचार्यान् समदिदिवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनहि स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विग्रहनन्दन पार्थसौनस्तुरीय श्रुति जो कहती है उसको युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है अथवा समझा जा सकता है। इसको लेकर के ये वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण शुरू। कल हम लोग इसके एक सामान्य नियम है, अनुमान प्रमाण कभी अकेले स्वतंत्र रूप से पहले काम नहीं कर सकते। कोई एक प्रमाण के द्वारा ज्ञात वस्तु होगा तब उसके बाद अनुमान, क्योंकि अनुमान करने के लिए व्याप्ति ग्रहण चाहिए, है ना। जो व्याप्ति ग्रहण के बिना अनुमान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे श्रुति ने जो कहा उसके आधार पर श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा हम श्रुति को पुष्ट करने के लिए कोई तत्व प्रकरण आया हुआ। तो देखिए कल कहाँ तक पढ़े थे, टीका प्रमाण अनुग्रह तत्वा तर्क से 79 प्रमाण अनुग्रहत्वा तर्कस्य अनुग्रह प्रमाणस्य प्रधानत्वा तद अधीन विचार अनंतरम तर्क अधीन विचारस्य सावकाशत्वात् युक्तम पौर्वापर्य पूर्व उत्तर प्रकरणयोर् इति उक्तम्। प्रमाण अनुग्रह तत्वा तर्कस्य, तर्क क्या करते हैं, किसी प्रमाण को अनुग्रहित करते हैं। अन्य कोई प्रमाण के द्वारा हमने जाना, तर्क के द्वारा उसको पुष्ट करते हैं, मतलब पुष्ट करते हैं, पुष्टि करते हैं, रेनफोर्समेंट। आगम अनुग्रह प्रमाण अनुग्रह करते हैं, आगम प्रमाण को क्या करेगा, ये पुष्ट करने के लिए। कौन कौन प्रमाण आ रहा है, अनुमान प्रमाण आ रहा है। इसलिए अनुमान स्वतंत्र रूप से अपना कुछ कर देगा ये बात नहीं है। इसलिए बता प्रमाण अनुग्रह तत्वा तर्कस्य अनुग्रह प्रमाणस्य प्रधानत्वा, जो अनुग्रहित हो रहा है वो प्रधान है, वो मुख्य है। श्रुति इसे आगम प्रमाण अनुग्रह है, मानो तो क्योंकि श्रुति वाक्यों को क्या होता है हम लोग सामान्य रूप से नहीं समझ पाते, इसीलिए कोई प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा उसको पुष्ट किया जाता है। अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए कोई लौकिक दृष्टांत दिया जाता है जो हमारे बुद्धि में बैठे, इसीलिए आप ये बोला जा रहा है प्रमाण अनुग्रह तत्वा तर्कस्य अनुग्रह प्रमाणस्य प्रधानत्वा। अनुग्रह अनुग्राहक हो गया आपका अनुमान प्रमाण, अनुग्रह हो गया आपका आगम प्रमाण, आगम प्रमाण। आगम को यदि युक्ति के द्वारा अनुग्रह मिल गया तो ठीक है, आज यदि नहीं मिला फिर आगम को समझने के लिए आपको और कुछ लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रमाण अनुग्रह तर्कस्य अनुग्रह प्रमाणस्य प्रधानत्वा, प्रधानत्व चार नंबर की प्रधानता शेषित्वा, शेष और शेषित्व, ठीक है ना। शेष मतलब होता है अंग और शेष होता है अंगी। इस प्रकार दर्श पूर्णिमा जाग हो गया मुख्य जाग, और उस जाग को पुष्ट करने के लिए मुख्य फल के साथ जुड़ करके फल देता है, एक अनुजाज है एक प्रयाज है, एक प्रयाज एक अनुजा किया जाता है, तो सब तीनों मिलकर के एक सत फल देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो है मुख्य है आगम प्रमाण, मुख्य आगम प्रमाण, उस आगम प्रमाण को पुष्ट करने के लिए अनुमान प्रमाण ला रहे। इसलिए आगम हो गया शेष ही, अनुमान हो गया शेष, उसका अनु उसको पुष्ट करने के लिए। इसलिए बार में बोलते हैं कि प्रधानत्व मतलब शेषित्व द्वितीय अर्थ कौन, अनुग्रह प्रमाण जो अनुग्रहित हो रहा है आगम, वो प्रधान है यहाँ पर।
तद अधीन विचार अनंतरम, इस प्रकार आगम के अधीन विचार करके श्रुति वाक्य के आधार पर विचार करने के बाद अब उसको तर्क के अधीन होकर के विचार करेंगे। ये उसकी इसलिए क्रम है, इसलिए क्रम है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा महानस में हम धुआं और अग्नि को सहचर के नियम देखने के बाद तब हम पार में वहाँ के अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा महानस में जाकर अंधनशाला में जा करके जब धुआं और अग्नि के सहचर्य को देख कर हम निश्चय हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं हुआ वहाँ अग्नि होना ही है। अब पहाड़ में धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए पहाड़ में भी अग्नि है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, श्रुति प्रमाण के द्वारा पहले जब निश्चय हो गया जगत पारमार्थिक वस्तु नहीं है, अब तर्क के द्वारा हम उसको पुष्ट करें। इसलिए यहाँ पे बोलता है, इस दृष्टांत को पहले समझा रहा है कि अब क्यों जगत की मिथ्यात्व क्या वस्तु है, क्या किस आधार पर हम कहना चाहते हैं। तब यहाँ पे किस आधार पर कहना चाहते हैं जगत की मिथ्यात्व, बोलता सब लोग मिथ्यांत दृष्टांत है, सात्विक वस्तु मिथ्यांत क्यों मानते हैं, क्योंकि उपयुक्त स्थान में नहीं दिखाई देने के कारण। अंतस्थानत्व भावना भावानाम समृत तेन हेतुना, क्योंकि समस्त भाव वस्तु अंदर दिखाई पड़ता है, अंदर तो घर आदि भी दिखाई पड़ता है, तो मिथ्या नहीं मानते, बोलते नहीं जहाँ पे जिसको देखना है संकुचित स्थान जहाँ पे होना संभव नहीं है वहाँ पे दिखाई देना, इसलिए हम इसको मिथ्या मानते हैं। तो यहाँ पर इसको ये तर्क युक्ति के श्रुति प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने पर श्रुति क्या बोलता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म पुरुष एव इदम विश्वमात्मा वेद गुण सर्व, सारा सृष्टि यही कहते हैं, श्रुति यही कहते हैं संसार में नाम रूप कुछ नहीं है, सत्य परमात्मा ही है, परंतु हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। तब उसको अनुमान के द्वारा पुष्ट करने के लिए द्वितीय प्रकरण शुरू है। तद अधीनत्वाद विचार अनंतरम तर्क अधीन विचार, इसलिए पहले जब कोई प्रमाण के तरह जान लेते हैं उसके बाद हम तर्क शुरू करते हैं, विचार करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तर्क अधीन विचार से साल तर्क के अधीन होकर के विचार अब अवकाश प्राप्त हुआ, मतलब अनुमान करने का अवकाश आपको कब प्राप्त होता है, जब आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के तरह व्याप्ति ग्रह आपका पक्का हो जाता है, इस स्थिति में आपको पक्का, इसलिए बोलते हैं सावकाशत्वाद युक्तम। इसलिए यहाँ पे आगम प्रमाण के बाद मतलब आगम प्रकरण के बाद वैतथ्य प्रकरण युक्ति के सारे सिद्ध करना, ये कहना युक्त संगत है, इसको अवकाश संगति कहा गया था, अवसर संगति। ब्रह्मसूत्र भी कई बार आया है, इसके बाद ये कहा, अब इसके बाद इस कहने का मौका आया है। इसलिए इस प्रकार देखिए हमारा द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का है वियोत्पाद और चतुर्थ है प्राणपाद। क्यों तन्मात्राओं के कथन करने के बाद अब तन्मात्रा से बना हुआ वस्तुओं को बोलने के लिए हमारे लिए आसान मौका मिलता है, इसीलिए इन दोनों पादों में अवसर संगति अवकाश कौन द्वितीय अध्याय तृतीय पाद द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद, एक का नाम है वियोत्पाद एक का नाम है पादपाद। वियोत्पाद मतलब तन्मात्रा और भूतों की सृष्टि और उसके बाद उससे बनी हुई इंद्रियां प्राण इंद्रियों की सृष्टि, इसलिए इसके बाद ये कहना ये होकर दोनों पादों में ये अवकाश होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ आगम के द्वारा सिद्धांत पक्का हो जाने पर उसको जो है अनुमान के द्वारा पुष्ट करते ही होगा अवकाश होंगे। यह अवकाश त्वाद युक्तम पौर्वापादम, इस प्रकार से इस क्रम से इसको कहना युक्ति संगत हो जाता है। उत्तर प्रकरण योर पूर्व उत्तर प्रकरण योर, मतलब पहला प्रकरण आगम प्रकरण अगला प्रकरण वैतथ्य प्रकरण, इन दोनों में इस प्रकार अवकाश संगति कहना युक्ति संगत है। उत्तम यहाँ पे पाँच नंबर टिप्पणी में क्या बोला था, सावकाशत्वा अवकाश अवकाश लाभादिति, अर्थात ये मौका प्राप्त मिल गया इन, मतलब आप श्रुति के द्वारा विषय वस्तु को समझ में आ गया, मतलब अग्नि के साथ धुआं की सहचर चीज समझ में आ गया, अब यहाँ पे धुआं देख के हम निर्विवाद उसको जो है अनुमान कर सकते हैं, इसलिए वो तो अवकाश प्राप्त हो गया। और छः नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, पूर्व उत्तर प्रकरण योग, हमारे यहाँ भी नियम है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, पहले सुनो श्रुति वाक्यों को श्रवण करो फिर मनन करो विचार करो तर्क करो। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं श्रोतव्य श्रुति वाक्य, इधर उधर तब आपको नहीं सुनना, गुरुमुख से श्रुति वाक्य को सुनना है तब जो प्रामाणिक होता है। और मंतव्य उपपत्ति भी इति न्याया, और मंतव्य का युक्ति के साथ उसको कैसे ये हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, दोनों कैसे हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति अर्जुन को बोल रहा है कि ये तू ओठ युद्ध कर और सधर्म पालन कर सब सारा बोल, अंतिम में जाके बोलते तू धर्म छोड़ अगर हो गया क्या। भगवद गीता में अर्जुन को कितना बार भाई यही तो मुख्य रूप से सधर्म पालन का सधर्म पालन का, अंतिम में जाकर के उपसंहार, बलवान होते हैं वो लिंग, बलवान होते हो लिंग, बोलता है कि धर्म छोड़ दे। ये जो आप इस बीच में क्या संगत या क्यों बोल रहे हैं इसका आगे पीछे विचार किए बिना यदि हम इसको अर्थ लगाने जाए तो अर्थ यथार्थ होगा ही नहीं। इसीलिए श्रोतव्य श्रुति वाक्य पहले से सुन करके आइए,
किस परिप्रेक्ष्य से उनको बोला, फिर उसके बाद आप दौड़ पूरा सुबह होने के बाद आप युक्ति लगाइए कि पहले भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य पालन करने के लिए बोल रहा है, आप धर्म छोड़ने के लिए यहाँ पे आके क्यों बोल रहे हैं, तब आप अपना युक्ति लगाइए। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे श्रोतव्य श्रुति वाक्यव्य मंतव्यश्च उपपत्ति भी, और मनन कैसा करना चाहिए, युक्ति के साथ पुष्ट होकर तो मनन करना चाहिए। सधर्म पालन करते करते जब अंतकरण शुद्ध हो जाता और ज्ञान निष्ठ आ जाता तब फिर धर्म पालन करने का, तब कुछ धर्म धर्म सुपरूप है। जब कभी भी हम धर्माचरण करेंगे तो पहले मन में भावना क्या आएगा, मैं ब्राह्मण मैं मनुष्य मैं पुरुष, ये सब भावना लेकर हम धर्माचरण करने लगते हैं। तो जो हम अपनी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं असंग मैं व्यापक मैं पूर्ण, उस स्थिति में कैसे पहुँचेंगे, क्या आप किस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं असंग मैं व्यापक मैं पूर्ण, और धर्माचरण शास्त्राचरण क्या किस हिसाब से करना पड़ेगा हमको, मैं ब्राह्मण मैं पुरुष मैं ये सन्यासी वर्ण आश्रम धर्म मान्यता देकर, तो शरीर का धर्म है ये विपरीत हो। इसीलिए यहाँ पे युक्ति लगाना पड़ता है कि जब हमको जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता तब तक हमको वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना चाहिए। अंतकरण शुद्ध ज्ञान ज्ञान निष्ठ आने के बाद फिर वर्ण आश्रम धर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं, प्रारब्धवशा जो आता है करता है परंतोष अकर्तव्य बुद्धि। इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्य शुभपत्ति भी, और उसको मनन करना चाहिए युक्ति के द्वारा, इति न्याया इस प्रकार यहाँ पे युक्ति होने के कारण इति भाव। इसलिए यहाँ पे पूर्वापर शंकर यहाँ तक देखिए इस श्लोक के लिए आनंदगिरि जी ने भूमिका लिखा। अब जो है भाष्यकार संप्रति श्लोक अक्षरानी योजयति भगवान भाष्य, अब जो श्लोक में आए हुए जो पद है उस पदों को भगवान भास्कर अभिनय करते हैं अर्थ करते हैं। इसे बोलते हैं श्लोक अक्षरण श्लोक में आए हुए अक्षर तो पदों को जो जो ये अर्थ करते हैं कौन भगवान भास्कर, जो जो का कर्ता कौन होगा भगवान भास्कर, ठीक है ना, ये प्रकार बोल रहे ना। आप यहाँ पे आ जाइए ऊपर भाष्य वितथस्य भाव वैतथ्यम मिला थर्ड लाइन में, वितथस्य भाव वैतथ्यम, पहले शब्द आता है वितथा और तस्य भाव हो गया वैतथ्यम, यन प्रत्यय होता है यहाँ का आदि अच्छा वृद्धि हो जाता है, तो इसे बोलते हैं ये वितथस्य इत्यादि न मतलब असत्यत्म इति अर्थ, मतलब यह पारमार्थिक सत्यत्व यहाँ भी नहीं है, ध्यान देना है कि सत्य मिथ्या भी एक अपेक्षिक शब्द रिलेटिव टर्म है कि नहीं, सत्य और मिथ्या भी रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म इसलिए बोलता हूँ जगत मिथ्या है किसके सापेक्ष मिथ्या है, सत्य का मतलब है पारमार्थिक सत्य के सापेक्ष मतलब आत्मा अथवा ईश्वर की सापेक्ष में जगत मिथ्या है, ब्रह्म की सापेक्ष, इसे इसको ध्यान रखना है। ये छोटा छोटा चीज को हम विस्मित हो जाते हैं अथवा ठीक से नहीं समझते हैं, इसलिए क्या होता है वेदांत हमारे लिए कन्फ्यूजिंग लगता है। सापेक्षिक शब्द सत्य है ये पारमार्थिक सत्य है, किसी का सापेक्ष नहीं रखता, ये निरपेक्ष सत्य और बाकी सारा सापेक्षिक सत्य। ब्रह्म सत्य है वो भी सापेक्षिक है क्योंकि माया है, इसलिए हम उसको सत्य बोल रहे हैं। माया में मिथ्या तो माया क्या है, उसके सापेक्ष में मतलब क्या है, ब्रह्म के सापेक्ष में माया है, माया की सापेक्ष में ब्रह्म निरपेक्ष है, पर फिर भी समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सत्य इसलिए बोलते हैं कि मायिक वस्तु में मिथ्यात्व दिखाई पड़ता है और वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ता, ब्रह्म का तो नहीं दिखाई पड़ेगा सीधा, सत्य है मिथ्या को प्रमाणित करने के लिए सत्य को देखने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन आप उसमें नहीं कर पाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, परंतु जो दिखाई दे रहा है उसमें एक्सपेरिमेंट करके जो निष्कर्ष में पहुंचते हैं वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए सत्य है, इसीलिए सत्य है। ब्रह्म तो बस है, सत्य मिथ्या दोनों निश्चित सापेक्षिक है, ये इसके सापेक्ष में तब ऐसा बोलेंगे तब देखिए आप सभी वादी को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक से नहीं समझ पाने के कारण लड़ाई होता है। यदि हम बोलते हैं ईश्वर को कौन नहीं मानता है, और ईश्वर को नित्य मानना सभी व्यक्ति चाहते हैं, मिथ्या कोई हम भी यही बोलते हैं, ईश्वर के सापेक्ष में जगत मिथ्या, चाहे ईश्वर जगत ईश्वर सृष्टि हो फिर भी ईश्वर के सापेक्ष जगत, क्योंकि जगत कर्ता की उत्पत्ति स्थिति लाश नहीं है, जगत जिसने बनाया उसका उत्पत्ति स्थिति लाश है। जिस प्रकार कुंभकार मृत्यु घड़ा की तुलना में कुंभकार नित्य है, वो सत्य है घड़ा नित्य है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, किसी वादी के साथ जो द्वैतवादी जगत मतलब ईश्वर मान्य है हम उसके साथ नहीं बोल रहे, बस तुम बताओ ईश्वर में जो सत्यत्व तो तुम मानते हो जगत में ऐसा सत्यत्व तो मानने के लिए तुम तैयार हो, नहीं तैयार हो तब ईश्वर की मर्यादा ही खुद नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं कि कस किसका होता है,
तो बोला सर्वेशम बाह्य आध्यात्मिकानाम भावानाम। बाह्य कौन हो गया? बाह्य घटादय टीका में देखी है, बाह्य को हो गया घटपट मार जो भी बाहरी वस्तु देखता है, ये जो है ये पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। और आध्यात्मिक कौन हो गया? सुख दुखादय जो भी कुछ वृत्तियाँ अंतर्भुक्त वृत्तियाँ हैं, तो आध्यात्मिका भाव ये आध्यात्मिक भाव, ये दोनों प्रकार की जो है वस्तु बाह्य और आध्यात्मिक भावानाम पदार्थानाम स्वप्ने उपलभ्यमान का स्वप्न में जो वस्तु उपलब्ध होते हैं वो कोई जो है पारमार्थिक वस्तु नहीं होता। इसी आह इस प्रकार बोलते हैं कौन लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं अव का अर्थ करते कथयंती। कौन लोग बोलते हैं? मनीषिण मतलब प्रमाण कुशलः, है ना, किस प्रकार से आँख अपनी प्रूफ को प्रकार प्रमाणित करते हैं, किस प्रकार के शब्द सोचते हैं जो शब्द को प्रमाणित करते हैं, इस पर लेकर के विचार करने वाले लोग यही कहते हैं प्रमाण सापनिक वस्तु प्रमाण से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। सापनिक वस्तु कोई बात नहीं मानते प्रमाण से। अब वैतत्व ठीक है, विमतम मिथ्या विमतम वितथम, है ना, वैतत्थम क्या है तो दिया अंतस्थाना, क्योंकि अंदर होने के कारण तो अंत शरीर समर्थ स्थाना ही ऐसा, क्योंकि जो भी शारीरिक वस्तु दिखाई पड़ते हैं कमरे के अंदर अब शरीर के अंदर या अपने नारे के अंदर दिखाई पड़ते, इसीलिए अंत स्थाना ही ऐसा, इसलिए मिथ्या है। अब देखिए टीका में आ जाइए, शरीर अंतर अवस्थान स्वप्न स्वप्नानां भावानां इति अत्र अनुभवं प्रमाणयति, है ना, ये शरीर के अंदर स्वाप्निक वस्तु दिखाई पड़ने हैं इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। इसलिए बोलते हैं शरीर अंतर अवस्थानम, शरीर के अंदर विद्यमान है कौन? स्वप्नानाम भावानाम, स्वप्ने विद्यमान भाव वस्तुओं का, है ना, पहले बोलते हैं स्वप्न उसका तद्वित हो गया स्वप्न यौन प्रत्यय हुआ फिर उसका षष्ठी भोग होता है भावानाम इति अत्र इस विषय में अनुभवम प्रमाणयति, अनुभव को प्रमाण के रूप में दिखाना चाहता है भगवान भाषा। तब बोलते हैं तत्र ही भावा उपलभ्यन्ते पर्वत हस्तादयो नहीं वही शरीरा तस्माते विधता भवितुम अर्हन्ति, बोलते हैं क्योंकि तत्र तत्र मतलब शरीर के अंदर में ही, शरीर के अंदर यानी अंदर में ही भावा उपलब्ध भाव वस्तु विद्यमान, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो वस्तु वो वस्तु शरीर के अंदर ही उपलब्ध होती है। देखिए आप बिना आँख के सोया हुआ व्यक्ति कोई इंद्रियों काम नहीं कर, आँख बंद है, कान भी उसको नींद जाने के लिए कुछ कोई शब्द नहीं, कुछ ठोस कर सोया और उठ करके सारा चीज देख रहा है, व्यवहार कर रहे हैं शरीर इधर उधर, शरीर चारपाई पे पड़ा हुआ है, तो ये जो हमारे पास व्याप्ति है जो 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 अंतस्थान में दिखाई देता है वो मिथ्या होता है। यहाँ पे अंतस्थान से अभिप्राय केवल अंतस्थान में मतलब जो यथोचित स्थान में नहीं दिखाई पड़ते हैं वो मिथ्या होता है। जो वस्तु को हम आँख बंद करके देखते हैं वो वस्तु मिथ्या होता है, आँख बंद करके भी दिखाई देता है। अब बोलिए महाराज ये जो आपका जो अनुभव होता है आप सब समाधि आदि में, समाधि आदि में जहाँ तक विषयात्मक अनुभव है वो सारा ही मिलता है। लोग आपको चाहे कुछ भी कहे मैंने ये देखा मैं वो देखा, कभी कभी मन में लगता है उसको कितना अच्छा अच्छा दर्शन होता है आपकी, आप यदि ईश्वर के उस नाम रूप के दर्शन का अभिलाषी होते हैं तो भगवान आपको स्तूप में भी दर्शन देंगे, और यदि आप भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को समझने की अभिलाषा है तो भगवान आपको हंस उठा करके पारमार्थिक स्वरूप को करेंगे। क्यों? उनका प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सती हो जाए, इसीलिए तो ओंकार में पर ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों का अवलंबन है। इसलिए वो व्यक्ति बोलते हैं हमें ये दर्शन हो रहा है और हम बोलते हैं हमें तो दर्शन नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत अपने को सोचा मैं क्या दर्शन के लिए कौन सा दर्शन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, कौन सा दर्शन करने के लिए मैं साधक बना हुआ, तो मैं लक्ष्य क्या बना है। लक्ष्य यदि आत्मतत्व तो वो लब्धि है तो अब क्या हो जाएगा, वो कभी भी विषय रूप में आपके सामने दर्शन नहीं देगा, अनुभव नहीं सकेगा। और यदि लक्ष्य ईश्वर दर्शन है ईश्वर तब नाम उपाधि के साथ दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तत्र ही भावा उपलभ्यन्ते पर्वत हस्तादय ये तहार हुआ हाथी हुआ उसका अंदर ही दिखाई देगा, न वही शरीरात वो शरीर से बाहर कहीं नहीं है वो, तस्मा ते भी तथा इसीलिए वो सारे ते भावा तस्मा ते से किसको लेंगे, तस्मात ते ये प्रणाम है देखो और वो वचन है पर्वत हस्ता, हाँ ये जो है तो पर्वत हस्तादय भावा ते, यहाँ पे ते शब्द बड़ी मुसीबत की बात है, तद तद आपका प्रातिपादिक है, तत् प्रातिपादिक में प्रयोग करते स तो ते
सतोपे। जब आप उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तब कहेगा सातेता, जब न्यूट्रल जेंडर प्रयोग तब ते तानी। अब मत्सर कुछ नहीं, तीनों जगह पे आपका ते शब्द आ रहा है। पुलिंग में भी दो बार द्वितीय में आ रहा है, एक बार बहुवचन, एक बार दो बार द्वितीय में, एक बार बहुवचन। अब यहाँ पे इसलिए आप इसको इसीलिए एक बार एक मिनट रुक करके ये कौन सा पद इसके पहले तक बोल करके तत्र ही भावा पर्वत हस्तादय अभी प्रथम बहुवचन मैस्कुलिन प्रथम बोल, इसीलिए यहाँ पे ते पद के तरह उसको इसलिए ते भी तथा भवितुम अर्हति, इसलिए क्या है मैस्कुलिन नॉमिनेटिव प्लुरल तथा भवितुम अर्हन्ति, वो मिथ्या होना चाहिए। अर्हन्ति मतलब योग्य अर्थ में आता है न अर्हति न अर्हसि, बार बार आता मतलब तुम इसको शोक करने योग्य तुम नहीं हो, ये शोक करने का योग्य विषय नहीं है। यहाँ पे जो है आगे बोलते हैं तेषाम अंतर उपलब्ध मानत्यपि न वैतथ्यम व्यभिचारा इति आशंकम अनुद्य परिहरति। टीका में तेषाम तेषाम मतलब भावानाम अंतर उपलब्ध मानते अपि, ठीक है ना, मतलब वो अंदर में उपलब्ध होने पर भी न वैतथ्यम उसमें वितथता मिथ्यत्व नहीं है। क्यों? आपका अनुमान में आपका अनुमान व्याप्ति क्या है, आपने पहले कहा अंतस्थान, जो जो वस्तु अंदर दिखाई दे रहा है वो मिथ्या होता है। यत्र यत्र अंतस्थानत्वम तत्र तत्र वैतथ्यम, ये आपने अपना व्याप्ति दिखाया। मतलब मिथ्या अंतस्थानत्व स्वप्न दृश्य वस्तुगत ये आपने दृष्टांत बनाया, तो आप जो ये जो व्याप्ति आपने देखा है क्या व्याप्ति देखा है, यो जो अंतस्थानत्म यत्र यत्र अंतस्थानत्म तत्र तत्र वैतत्थत्म अतमितम, ये व्याप्ति आपका सही नहीं है। ये व्याप्ति व्यभिचार करता है, कहाँ कमरे के अंदर घर में, घरे के अंदर जल में, ये मिथ्यत्म भी नहीं होता। इसीलिए आप बोलते हैं आपका व्याप्ति सही नहीं है। तेषाम अंतर उपलब्ध मानत्यपि न वैतत्वम व्यभिचारा, व्यभिचार मतलब क्या हो जाएगा कि साध हेतु तो है परंतु साध नहीं है। अंतस्थानत्व रूप हेतु है, कमरे के अंदर टेबल है तो कमरे अंतस्थानत्व है परंतु टेबल में तो नहीं है, मतलब हेतु है साध नहीं व्यभिचारी। इसलिए आप बोलते हैं व्यभिचारा इति आशंकम अनुद्देशंका को अनुवाद करके उसको निराकरण करते हैं भगवान दास। कहाँ पढ़ेंगे अभी, ननु अपवर्गादि अंतर उपलब्ध मान मान ही घटादि भी, दीवार के अंदर उपलब्धि होता है जो घटपट आदि वस्तु उन व्यक्ति उस वस्तुओं में मतलब उस व्यक्तियों के द्वारा घटादि भी अनेकांतिक हेतु आपको वहाँ पे आपका हेतु की व्यभिचार है इति आशंका ऐसे शंका उठा करके तब बोलते हैं नहीं नहीं आपने हमारे अंतस्थानत्व रूप जो हेतु है उसका अभिप्रेत अर्थ को समझ नहीं पाया। ये दूसरा हेतु नहीं दिया, पहले हेतु दिया अंतस्थानत्व, दूसरा हेतु बोलेंगे संवृतत्व, ये दूसरा हेतु नहीं दिया, वो पहला हेतु का स्पष्टीकरण है, पहला हेतु का स्पष्टीकरण है। मतलब अंतस्थानत्व मतलब कहा जाएगा अनुपयुक्त स्थान, अनुपयुक्त स्थान संवृतत्व संकुचित देश में है इसलिए अनुपयुक्त स्थान होने के कारण। इसलिए हमें बोलता है संवृतत्व हेतु न इति, आपने हमारे अंतस्थानत्व शब्द की जो अभिप्रेत अर्थ है वो आपने नहीं समझ पाया, अब हम उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसका अभिप्रेत अर्थ क्या है संवृतत्व ने, तो वो अनुपयुक्त स्थान में दिखाई देता है। संकुचित स्थान, संकुचित स्थान सम्यक रूपेण आवृत संवृत संकुचित स्थान है उसके अभी जगह नहीं है संवृतत्व हेतु न। ये जो अंत शब्द आया है ना भाष मूल में अंतस्थाना, अंतस्थान का अर्थ करते अंत मतलब अंतस्थाना, अंत शब्द का अर्थ कर दिया संवृत स्थान, ठीक है। नहीं तो आपको लगे नहीं क्या बोल रहे, एक ही चीज बार बार क्यों, एक ही चीज बार बार नहीं बोल रहे, दो बार अरे दो बार नहीं बोल रहा है। ननु अपवर्गादि अंतर उपलब्ध माने घटादि भी अनेकत्विक अनेकांतिक हेतु रीति आशंका संवृतत्व हेतु नहीं, कौन बोल रहा है, जब आपने पूर्ववादी ने अंतस्थानत्व हेतु को बोल रहा है व्यभिचारी है, तो मानवीय को कारिका ने क्या किया कि नहीं नहीं हमारा अंतस्थानत्व का अभिप्राय संवृतत्व ने मैंने मतलब उपयुक्त स्थान नहीं होने आप जो है हाँ उसको मैं यही बोला कि दूसरा हेतु नहीं दे रहा है हमारे अंतस्थानत्व हेतु का अभिप्रेत अर्थ क्या कौन बोला वो बोला। इसी को भगवान भाष्यकार बोलते हैं यहाँ पे अंत शब्द का अर्थ हो गया अंत अंतस्थाना, अंतस्थाना मतलब समृद्ध स्थाना, समझ में आया आपको कि नहीं, तो आपको लगेगा कि एक ही चीज़ बोल रहे हैं क्यों ऐसा बोले, एक चीज नहीं बोल रहे हैं, अंत शब्द का अर्थ करते हैं समृद्ध अंतस्थाना मतलब समृद्ध स्थाना मतलब संकुचित स्थान में होने के कारण, संकुचित स्थान में होने के कारण।
इसलिए देखिए आप टीकाकार लिख रहे हैं कि अंत इति उक्तम स्फुट यदि, वो जो बोला अंत है ना, वो अंत शब्द का क्या अर्थ है उसको स्पष्ट कर। अंत शब्द का मतलब भीतर नहीं है, अंत शब्द का अर्थ हो गया संकुचित, अंत शब्द का अर्थ हो गया संकुचित। ठीक है, अब तो शंका नहीं रहेगा, अब तो आपका हेतु सही हो गया। इसलिए आप बोलते हैं कि हमारा अंत शब्द का अर्थ क्या होगा, संकुचित स्थान से, अंत संवृत्ति स्थान है, मतलब संकुचित स्थान होने के कारण सापनिक वस्तु मिथ्या है। संकुचित स्थान में होने के कारण शांत, मतलब अब हम संकुचित शब्द का क्या अर्थ करेंगे, जो वस्तु जहाँ पे देखना संभव नहीं है वहाँ पे दिखाई देने के कारण मिथ्या। कमरे का अंदर सोया हुआ व्यक्ति के नाड़ी के अंदर बिरा बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर देखना संभव नहीं है, वहाँ पे दिखाई देगा, इसीलिए वो मिथ्या। जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तब जगत मिथ्यात्व भी आपको समझ में आ जाएगा। ये विषय तो क्या बोला, पहले आप दृष्टांत को अच्छी तरह से समझेंगे, दृष्टांत को यदि आप ठीक से समझ जाएंगे दृष्टांत में कैसे घटना है, तब जाके जगत मिथ्यात्व तो निश्चय होगा। इसीलिए इसको स्पष्ट करके बोलते हैं अंत समृद्धित्व स्थान दिखता है। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं तम एव संकुचितम देशम विशेषणांतरेण स्फोटयति। ये जो वो संकुचित देश है, इस संकुचित देश को ही एक दूसरा विशेषण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा विशेषण न ही अंत मतलब समृद्धि, समृद्धि शब्द का अर्थ क्या कहता है, देहांतर नाड़ीशु। ये समृद्धि शब्द क्या कहना चाहते हैं, अब देखिए अंतस्थान, अंतस्थान का शब्द अर्थ करते हैं संकुचित स्थान, और संकुचित स्थान का अभी आप स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं, शरीर के अंदर नाड़ियों, शरीर के अंदर नाड़ियों में दिखाई पड़ता है। कल मैं बता रहा था कि जीव जो है दक्षिणाक्ष मुखे विषम मन संतस्तुत आकाश चढ़ी प्राग सीधा देह व्यवस्थित, तो जो इंद्रिय गोलक में बैठ करके व्यवहार कर रहा था वो सब जब सोने जाता है तब क्या होता है, वहाँ से अपने को विद्रोह करके हृदय आकाश में जा करके सोता है। अब यहाँ से लेकर के हृदय आकाश तक जाने के मार्ग नाड़ियाँ हैं, और उस नाड़ियों के अब जब बाहर से वस्तु को आहरण कटहार करते हैं शब्द स्पर्श रूप प्रस्कंध, उस समय इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है, तद अनुकूल हमारे इधर लाल सफ़ेद नीला काला पीला इस प्रकार की रस बनती है। उस रस के अंदर से जब वो जीव सूक्ष्म को नाड़ी के अंदर से जाता है तब वो क्या होता है, उसका मतलब जो ट्यूब जैसा गया उसके अंदर वहाँ पर सर्फिस में कॉन्टैक्ट और उसके साथ मिला हुआ रहता है, वो एक वेदांतों को पुरुष में आएंगे तो उसके माध्यम से उसको स्वप्न देखना, और जैसे हृदय आकाश पर पहुँच जाते हैं स्वप्न देखना। और मान लीजिए शरीर बहुत थका हुआ है, माइंड पहले ही फंक्शन करना बंद कर दिया तो तुरंत जाते सुबह तो ये जो है नहीं, आजकल तो जैसा मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को देखा, सन्यासी को मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं रात को हमारे गुरुजी को सपने में देखा, तो हम किस रूप में किस कलर में देखेंगे गुरुजी को, जिस वस्त्र में देखा था उसी वस्त्र में तो देखेंगे। नहीं, वो हो सकता है ब्रेन वेव को लेकर के बोल रहे हैं, कि वो तो पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर पाता है ब्रेन में क्या क्या, मतलब सोने के बाद से अथवा डीप स्लीप में जाने तक हमारा ब्रेन में क्या वेव चलते हैं, अथवा डीप स्लीप में क्या वेव चलते हैं, मृत्यु के समय क्या, ये तो मशीन हमको बताते हैं, परंतु वो पर्टिकुलर किस कलर में देखेंगे इस विषय को लेकर आपका अनुभव क्या बोलता है ये देखिए, आपने आपका अनुभव क्या बोलता है, जब कभी आपने स्वप्न देखा तो सपनों में किसी को भी देखा उसको आपने किस रंग में देखा, पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होता था ना, उसलिए उस समय ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल तो कलर पिक्चर हो गया सब, इसीलिए उसका संस्कार आने, अभी देखना अभी छोटा बच्चा जो है वो मोबाइल का स्वप्न देखेगा, वो हो सकता है मैं देखा नींद में छोटा बच्चा को, पहले देखा वो फुटबॉल खेल रहे दीवार में मारा फिर रोके बुढ़ के तो क्या हुआ, छोटा बच्चा था उसका पिता लोग बैठ गया, मैं उसके पिताजी दोनों बैठ गए पढ़ रहे थे, उन्होंने लगा क्या वो दीवार में पहन गया, पहले जो देखते था मन बच्चा छोटा है आज वैसा ही देखते सो रहा है, कैसे हो रहा है संस्कार जैसे आ जाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि उक्तम अर्थम का युक्ति न है तम एवं संकुचितम देशम विशेषणांतरण स्पर्श, संकुचित देश को एक पर्टिकुलर विशेषण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, देहांतर नाड़ीशु पर्वत हस्तादीनाम संभव न अस्थि, शरीर के अंदर नाड़ी में पर्वत हस्ति आदि होना संभव नहीं है, यह अभिप्राय। अब टीकाकार लिखते हैं
यदा देहेपि पर्वतादयो न संभाव्यन्ते तदा तदंतर्वर्तिनिषु नाडीषु अतिसूक्ष्मासु तेषां संभावना नास्ति इति किम् वक्तव्यम् इति अर्थ। जब घर के अंदर हम सोए हुए हैं, घर के अंदर सोए हुए हैं, उस घर के अंदर भी हिमालय पर्वत आना संभव नहीं। फिर उसके बाद घर के अंदर सोया है शरीर, जब घर के अंदर संभव नहीं है तो शरीर के अंदर कहाँ से होगा। अब जब शरीर के अंदर संभव नहीं है, शरीर के अंदर भी सूक्ष्म नाड़ी, तो नाड़ी के अंदर कहाँ से हो सकते हैं की तरह। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे इस अर्थात देहे अपनी पर्वतादय होना संभव संभवंते, मतलब जब शरीर के अंदर भी पर्वतादि होना संभव नहीं है तदा तद अंतर्वर्ती जो उस समय शरीर के अंतर्वर्ती जो नाड़ी है उसमें भी वो सूक्ष्म नाड़ियों में पहाड़ नहाती नदी घोड़ा ये कहाँ से हो पाएगा। नास्तिक क्यों वक्त में इस विषय में कहना ही क्या है। कमरे के अंदर भी जब होना संभव नहीं है तो अब शरीर के अंदर नाड़ी के अंदर कैसे होना संभव है। इसलिए मैं सबसे पहले दिन आपको बताया था घर के अंदर पानी मिथ्या नहीं है, परंतु पानी के अंदर यदि आपको पहाड़ हिमालय दिखने लग जाए वो सत्य नहीं है। घर के अंदर पानी नहीं है परंतु पानी के अंदर यदि हिमालय दिखने लग जाए, घर के स्थान में शरीर, शरीर के स्थान में अंदर अंतकरण नाड़ी और उस नाड़ी के अंदर अगर ये दिखने लग जाए कि इसे आप देखिए अनुमान की प्रारूप हमें स्पष्ट दे रहा है। स्वप्ना भाव योग्य पक्ष, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जितना भाव वस्तु है विद्यमान वस्तु सत्य न भवंती, वो सत्य नहीं हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता सत्य न भवंती। देखिए आज आप बोल रहे थे ना सत्य हो गया, सत्य शब्द जनरली न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग होता है, सत्य जन न्यूट्रल जेंडर पर, परंतु यहाँ पे भावा के साथ भीषण रूप में आ रहा है इस सत्य। अब जब बोलेंगे ब्रह्म सत्यम जगत न्यूट्रल जेंडर महाराज, इसको ऐसे भी बोल सकते थे ना स्वप्न भाव सत्य न भवति, ऐसे भी ना स्वप्न भावा नहीं बोलता है, स्वप्न में दिखाई दे रहा है, स्वप्न से संबंध एक आप जागृत, आपको क्या है जागृत को मिथ्या सिद्ध करना है, तो आपको स्वप्न संबंधित जो भाव वस्तु है उसको बोल रहे हैं भक्ति के लिए स्वप्न भाव हो सकते हैं। स्वप्न भाव जो आप लोग सत्य न भवति, तो एक एक हो जाएगा, एक वस्तु हो जाएगा, स्वप्नानि भावानि न सत्यानि भवन्ति, तो न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। लेकिन बहुवचन बोध है परंतु न्यूट्रल जेंडर पर, तो आपको स्वप्न शब्द जो स्वप्न स्वप्न मतलब स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो वस्तु, स्वप्न से संबंध रखने वाले स्वप्न और स्वप्न में ये भिन्नता है ना, ये तद्धित हो गया यहाँ पे। स्वप्न भाव स्वप्न में दिखाई दे रहा है विद्यमान वस्तुओं का, विद्यमान वस्तु मतलब वो सत्य न भवती, वो सत्य सत्य न भवती, देखिए सत्यम सत्य सत्य क्योंकि भावा का विषय नहीं है, सत्य न भवंती इसलिए बहुवचन है, वो सत्य नहीं हो सकते क्यों। उचित देश शून्यत्वात्, ये देखिए अब आपका हेतु स्पष्ट हो गया, उचित देश शून्य होने के कारण, उचित देश से रहित होने के कारण, तो स्वप्ना भावा सत्यम न भवंती हो गया साध्य, हो गया साध्य। हेतु क्या दिया, उचित देश शून्यत्वात्, उचित देश से शून्य रहित होने के कारण। दृष्टांत तो कह दिया रजत भुजंग अधिपति भाव, रजत मतलब सुप्तिका के ऊपर दिखाई दे रहा है, रजत रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प के समान, ये दृष्टांत तो है। इसी लास्ट लाइन में आपको पूरा श्लोक का अभिप्रेत अर्थ को बता दिया, स्वप्ना भावा ये हो गया पक्ष, ठीक है, सत्य न भवंती हो गया साध्य, ठीक है। हेतु क्या था, उचित देश शून्यत्वाद ये हो गया हेतु, और रजत भुजंगाधिपत ये हो गया दृष्टांत, ठीक है ना। रजत मतलब सुप्तिका के ऊपर दिखाई दे रहा है, रजत रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प इस प्रकार की वस्तु के समान ये हो गया दृष्टांत। अब देखिए ये दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों बैठना चाहिए, पहले अनुमान सही है कि नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ये देखना पड़ेगा। दृष्टांत क्या हो गया, रजत और भुजंगाधिपत ये उचित देश शून्यत्वात ये हो गया आपका हेतु, तो जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है रजत दिखाई दे रहा है, वो रजत देखने का स्थान वही नहीं है, दुकान में आपको अश्रु चांदी दिखाई दे रही है और वहाँ पे तक्षशिला का टुकड़ा है, इसीलिए वहाँ पे वो उचित देश नहीं है। इसलिए उचित देश शून्यत्व तो रजत में मतलब सुक्ति रजत में, रजत से समझना सुक्ति रजत, और भुजंग के समझना रज्जु सर्प, रज्जु सर्प जो यहाँ पे एक रज्जु के रज्जु को हम सर्प रूप में समझ लिया इसलिए उसके लिए उचित देश नहीं है।
तो दृष्टांत तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रजत ये रजत भुजंगाधिपति दृष्टांत में आपका हेतु उचित देश सुन्नति हेतु बैठ जाएगा, क्योंकि आपने क्या हुआ शुक्ति का को रजत देखा और रज्जु को सब उचित दृष्टि नहीं, इसीलिए सुन्नति के भाव फल तो क्या होगा, हम क्या निश्चय करते हैं रज्जु में जा करके जब हमको क्या नहीं मिला, रजत देख के गया था परंतु क्या हुआ हमको हाथ में लगा एक शीशे का टुकड़ा, तो हम क्या निश्चय करेंगे मैंने जो देखा था वो सही नहीं था, वो वस्तु मिथ्या है, जो रजत मैंने देखा था वो रजत सत्य नहीं है, सत्य न हो। ये दो दृष्टांत तो इसलिए दिया एक राग और एक द्वेष को दिखाने के, राग और द्वेष के द्वारा ही व्यवहार होता है, राग और द्वेष के द्वारा व्यवहार मतलब सुक्ति के ऊपर रजत दिखाई दे रहा उसके प्रति राग और सर्प रज्जु को सर्प दिखाई दे रहा उसके प्रति द्वेष, तक ये दोनों से व्यवहार होता है, या तो भाग के जाएंगे या तो भाग के वापस आ जाएंगे, यही तो व्यवहार। इसलिए हमें ये दो दृष्टांत दिया कि सपना भावा सत्य न भवंती उचित देश शून्यत्वात् रजत भुजंगाधिपत इति, ठीक है ना, इस प्रकार ये इसके अंदर भाव दृष्टांत है रजत रज्जु मतलब दो दृष्टांत है शुक्ति रजत और रज्जु सर शुक्ति रजत, यहाँ पर छोटा बोला क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द भी प्रयोग करेंगे जिससे कि आपको मतलब थोड़ा रजत मतलब शुक्ति रजत अब हेतु है उचित देश उचित देश वो क्या क्या बोला एक पक्ष पक्ष मतलब जहाँ बोलते हैं ना पहाड़ में आग है तो पहाड़ हो गया पक्ष, मतलब जहाँ पे आप अपनी अभिष्ट वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं उसको कहते हैं पक्ष, यहाँ पे पक्ष क्या है ये सपना भाव जहाँ पे आप किसी वस्तु को सिद्ध करना चाहते हैं वो हो जाता है पक्ष, पक्ष को लेकर के विवाद नहीं होता, पक्षों को तो हम भी मानते हैं पहाड़ आपको भी देखा परंतु शंका होता है पहाड़ में आग है कि नहीं। अब दिन के समय आपको क्या होगा कि आग तो नहीं दिखाई देगा परंतु कुछ धुआं दिखाई देगा, तब हमको याद आता है इसके पहले कभी भी हम किसी रंधनशाला में गए धुआं देख करके तो हमें क्या होता है वहाँ पर आग, अब यहाँ पर धुआँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आग होना चाहिए, ये अनुमान की ये दिखा रहे हैं, मतलब अनुमान करने के पांच अवयव होता है, प्रतिज्ञा दृष्टांत हेतु उपनय निगमन, क्या क्या है जी यही है आप बोलो क्या है यही है, मैं बोलने से नहीं होगा ये तो बोलने से याद आ जाता है अभ्यास करना प्रतिज्ञा दृष्टांत हेतु उपनय निगमन, प्रतिज्ञा मतलब क्या होता है पहाड़ में आग है ये हो गया प्रतिज्ञा, हेतु क्या दिया क्योंकि यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है तो आपको तब दृष्टांत तो देख करके समझा क्योंकि मैं जब कभी भी रंधनशाला में गया हूँ धुआं देख करके मुझे वहाँ पे आग मिला, ये दृष्टांत महानसुब, अब यहाँ भी उपनय मतलब यहाँ भी ऐसा ही धुआं दिखाई दे रहा है, ये उपनय मतलब जो मैं इसको देखा था उसके यहाँ पे ला करके लगा रहा हूँ, जैसा रंधनशाला में देखा था ऐसा ही धुआं यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये हो गया उपनय निगमन, इसलिए पहाड़ में आग है, ये संकोषण ये पांच अवयव के द्वारा अनुमान को सिद्ध होता है, ठीक है नहीं तो है प्रतिज्ञा दृष्टांत प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगम, तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखा रहे हैं यहाँ पे स्वप्न भावा हो गया पक्ष मतलब जिस अधिष्ठान के ऊपर हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं हो जाता है पक्ष, संदिग्ध साधवान पक्ष इसका भी परिभाषा है बोल सलाह नहीं है, जहाँ पे किसी वस्तु की शंका हो रही हो गया पक्ष संदिग्ध साधवान पक्ष इस परिभाषा पढ़ा आपने कितने कितने शकलों को याद रखे एक अकेला भोला सा है ना छोटा छोटा पतला पुस्तक है छोटा छोटा मतलब इतना सारा चीज़ एक साथ दिमाग में लाएंगे तो कितने को याद प्रैक्टिस करना चाहिए तो ये पढ़ते पढ़ते हो जाता है क्या होता है हम लोग मेहनत करते हैं डिज़ाइन करना डिज़ाइन मतलब कोई फैक्ट्री में कोई वस्तु इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा तो उसके लिए आपको मशीन थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ता है, अब कितना साल में अब उसमें कहीं पे कोई डिफेक्ट आएगा तो प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत आके पकड़ रहे तो हमने बोला भाई ठीक है कोई कोई काम से नहीं परंतु कितने शक्लों को याद रखते मतलब कितना काम कितना वस्तु को डिज़ाइन कर दिया एक शिक्षक है कहाँ तक याद रखेंगे दिखाओ क्या क्या हुआ तब हम तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं कई चीज़ एक साथ अब कितना वस्तु को एक साथ दिमाग में रखा है और हम तो धीरे धीरे विस्मय होता जा रहा है तो अभ्यास करने से आता है तो सपना भाव मतलब पाक्षिक है ये पक्ष हो गया संदिग्ध साधवान पक्ष सत्य न भवंती यहाँ पे ये सत्य नहीं हो सकता है स्वप्न में देखिए उचित देश शून्यत्व तो उचित देश शून्यत्व रूपी हेतु आपको शुक्ति रजत में भी है और रज्जु सर्प में भी है फल तो ये शुक्ति रजत अथवा रज्जु सर्प की सत्य वस्तु नहीं है ठीक है ना ये हमारे
इस ठीक इसी प्रकार स्वप्न भाव स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु भी रज्जु सकल इसीलिए इसको ये उपसंगर में आपको ही बोलना पड़ेगा। हमने जो प्रतिज्ञा किया था क्या प्रतिज्ञा किया था पहाड़ में आग है तो हमको अंतिम में क्या बोलना पड़ेगा हाँ पहाड़ में आग है क्योंकि पहाड़ में धुआं दिखाई ठीक है ना निगमन बोल हमारी प्रतिज्ञा सही है क्योंकि हम कि किसी प्रकार यहाँ पे जो आपने शब्द को सिद्ध करना चाहता है कि ये शब्द नहीं है तो आपको अंतिम में क्या बोलना पड़ेगा क्योंकि ये उचित देश में नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए स्वाप्निक भाभा भी जो है सत्य नहीं है जैसे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर दृष्टांत तो और अच्छा दे सकते जैसे ब्रह्मा जी का मंडल से गंगा निकली वो संकुचित देश का मंडल उसमें गंगा कैसे निकल सकती देखो बात क्या है कि वो भी किसी ने देखा नहीं मतलब वो भी किसी ने देखा नहीं आपको अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए पहले एक लौकिक दृष्टांत देना करो अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए कि अलौकिक दृष्टांत दे दे तब फिर हम ये हो जाएंगे इसके लिए क्या प्रमाण है आप जो बोल रहे गलत मुझे नहीं है परंतु हमेशा ध्यान रखना है एक नया व्यक्ति को कोई चीज़ हमको समझाना है तो हमको पहले वो दृष्टांत देना पड़ेगा जो उस व्यक्ति को समझ में आता है तब जा करके फिर हम अपना वाला समझा पाएंगे इस पूरा प्रयास यहाँ पे यही है जगत मिथ्या कोई मानने के लिए तैयार नहीं है परंतु स्वप्न मिथ्या सभी मानने के लिए तैयार है तो पहले स्वप्न क्यों मिथ्या है इसको पक्का करके बैठाएंगे और रज्जु के दिखाई रज्जु को जो वस्तु जहाँ पे नहीं है वो वस्तु अगर वहाँ पे दिखाई दे उसको मिथ्या मानने के लिए सभी तैयार है ये भी हमारा अनुभव है इसलिए वहाँ से शुरू किया इसीलिए वहाँ पे शुरू किया जो स्वप्न भाभा सत्य न भगवती उचित देश शून्यवाद रजत भुजंगादिवाद इति भाव इसके अंदर मतलब इस श्लोक के अंदर ये अनुमान करना चाहते हैं बहुत पता कहते हैं ये आनंद के लिए अब वो बोलते हैं आपने क्या बोला कि अब सारा वस्तु तो हमारे शरीर के अंदर दिखाई पड़ता है हमें तो दिखाई पड़ता है मैं यहाँ से बम्बे पहुँच गया मेरी इंडिया पर घूम रहा हूँ तो शरीर के अंदर दिखाई देगा तुम्हारा कथन सही नहीं है जिसको नहीं समझ में आता तो क्या बोल रहे तुरंत हम तो दिखाई दे रहा है कलकत्ता में बैठ करके मैं इसी समय हिमालय केदारनाथ के दर्शन कर रहा हूँ अथवा घर में बैठ करके ऋषिकेश में गुरु जी को प्रणाम करके आ रहा हूँ और तुम बोल रहे हो तो शरीर के अंदर नारी में ये कैसे बोल ये होना संभव नहीं मैं तो वहाँ पर गया था अब उसका उत्तर कर लिख करके अगला है यहाँ पे इसलिए टीका कर देखिए अगला के लिए उपद कर दे रहे हैं देहात बहिर एव देशांतरम गत्वा स्वप्नानां भावानां उपलम्भा तेषां देहांते देहांत संवृत्ति नाड़ी प्रदेश दर्शनम असंप्रतिपन्नम इति आशंक परिहरति ठीक है ना शंका क्या उठाया पहला श्लोक के साथ दूसरा श्लोक में क्या संबंध है देखिए पहला श्लोक सुन करके आपने बोला अंतरस्थान में होता है हमें सपनों क्या दिखाई पड़ता है हमको तो दिखाई पड़ता है कि मैं कल यहाँ पे उत्तरकाशी में बैठ करके अभी अयोध्या पहुँच तो आप बोलते हैं शरीर का अंदर दिखाई दे रहा है ये आपका कथन सही नहीं है इसलिए बोलते हैं देहात बहिर एव देशांतरम गत्वा शरीर से बाहर देशांतर में जा करके दुष्ट स्थान में जा करके स्वप्नानाम भावानाम उपलम्भा स्वाप्निक भाव वस्तु का उपलब्धि होने के कारण तेषाम देहांत वो मतलब सब तेषाम स्वप्न भाव स्वप्नानाम भावानाम तेषाम देहांत शरीर के अंदर संवृति संकुचित स्थान में नाड़ी प्रदेश मतलब नाड़ी के अंदर दर्शन वहाँ पे दिखाई देते हैं असंप्रतिपन्न में हम तुम्हारे साथ एकमत नहीं है इस विषय में हम तुम्हारे साथ एकमत असंप्रतिपन्न मतलब हम तुम्हारे साथ एकमत नहीं है इति आशंक ऐसा शंका करने वाले की शंका को निराकरण करते हैं कौन मांडू का कार्य मांडू को कार्यकार इसका परिहार करते हैं तुम्हारी इस शंका को देखो बात क्या है आपने सोया चार पाँच सेकंड भी नहीं हुए आप जो है चार साल की सपना एक साथ नहीं होता कि नहीं होता यहाँ से गया और कितना साल तक वहाँ पे रहा तो एक बार नारद को माया क्या है ये भगवान को समझाना था नारद भगवान ने बोला ठीक है समय आने पर बताऊँगा तो भगवान पहले तो नहीं बता देते जब बिल्कुल अंतिम समय में आकर के तब बोलेंगे जब ये देखिए पूछे तो उसको वैष्णवी माया विष्णु माया मैं आपके साथ रहता हूँ ठीक है समय आने पर सुन कई समय बीत गया चलो थोड़ा सा मरते लोग भ्रमण कर मरते लोग भ्रमण करते करते एक जगह पे भगवान ने मतलब चलते चलते थक के हर थोड़ा सा पानी पिया तो सामने नदी दिखाई दिया
है वहाँ से पानी लाओ। मैं गया वहाँ तो चलते चलते थक भी गया था और सोचा भगवान के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, थोड़ा नहा के स्वच्छ रूप में पानी लेना लगाया डुबकी। जैसे ही डुबकी लगाया तो बह गया, बह जा करके देख रहा है कि जाते 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 एक जगह पे कहीं पे रुक गया। तो जहाँ पे रुक गया वो एक शमशान घाट था, एक लोग लगे शमशान घाट था, तो वहाँ पे रुक गया। तो एक शरीर ऐसा थे जो लोग कुछ लोग उस देश की जो है राजा गुजर गए थे, राजा गुजर गए थे, तो राजा को जलाने के लिए लाया था। तो राजा को जलाने के लिए लाया था तो राजा को हाथी को पहन लाते हैं, तो अब हाथी के गले में एक छोट पे एक माला रख दिया था, तो हाथी जिसके गले में माला डाल देगा उसको भी राजा बनाएंगे, ऐसा कुछ उस देश का नियम था। अब उस देश की एक और भी नियम था कि यदि रानी गुजर जाती है तो राजा को उसके साथ मरना पड़ता, परंतु राजा के साथ रानी को मरना पड़ा, ये नियम नहीं था उस देश के। तब क्या हुआ, नारद जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने देखा तो उसको उठाया तो हाथी आ करके उनके गले में माला डाल दिया, मारा डालती तो आप वहाँ का राजा बनना पड़ेगा। लोग ने बोला कि बस आपको भी राजा बनना पड़ेगा, तो राजा बनना पड़ेगा रानी के साथ, रानी के साथ रहने लगे। कई साल बीत गया, दो चार बच्चे हो गए, परंतु रानी मर गई। जब रानी मर के पहले ही बताया था कि जब इस देश का नियम है कि यहाँ पे है सतीदाह पता नहीं है पतिदाह पता है, तो आप जो है नारद को जो है जलने का मौका आ गया, जलने का मौका आ गया। तब नारद जब जिस समय संपूर्ण तैयार हो गया तब बोल रहे हैं कि ठीक है जब जलना ही है तो नियम ही ऐसा है कि जलने से पहले उसको नहाना तो तुरंत है, तो उसको नहाने के लिए दिया, तो नहाने के लिए डुबकी लगाया, तब फिर उठा, फिर वो पानी लेकर के भगवान के पास आ गया। तो भगवान के पास आ गया, हम बोल क्या हो, समझ गया माया क्या है, समझ गया माया क्या है, चार मिनट में कितने साल की जिंदगी दिखा दिया। यही जो अदीर्घता तक आलस, इस अगला श्लोक आ रहा है कि आज आप बोल रहे हैं कि बाहर में जा कर के देखते हैं, ये बात नहीं है, वो अंदर में ही देखते हैं। उसको उत्तर यहाँ पे देते हैं कि संवृत्ति नाड़ी प्रदेश दर्शन असंप्रतिपन्नम, ये आपका हम साथ सहमत नहीं है, इतनी आशंका इसका शंका करके परिहार करते हैं। क्या परिहार करते हैं श्लोक में, अदीर्घत्वाच्च कालस्य, अदीर्घत्वाच्च कालस्य, गत्वा देशान् न पश्यति, गत्वा देशान् न पश्यति, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व, तस्मिन् देशे न विद्यते, तस्मिन् देशे न विद्यते, अदीर्घत्वाच्च कालस्य, गत्वा देशान् न पश्यति, प्रतिबुद्धश्च वै सर्व, तस्मिन् देशे न विद्यते। काल जो है अनुकूल, पहले क्या बोला था स्थान अनुकूल नहीं है, अब बोल रहे काल भी यथार्थ काल नहीं है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाना फिर वहाँ से वापस आने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय हम सपनों देखते ही नहीं, चार पाँच सेकेंड अथवा तो मैक्सिमम दो तीन मिनट करके आप सपन के कितना समय देखिए। अदीर्घत्वात् चकार, चकार क्यों बोलता है, अंतस्थान आत्मा, तब एक स्थान अनुपयुक्त स्थान और यथार्थ समय भी नहीं होने के कारण कालस्य गत्वा, मतलब मैं यहाँ पे सोया दूसरा जगह पे गया वहाँ पे सपनों देख के यहाँ पे वापस आ गया, ऐसा होना संभव नहीं है। गत्वा देशान, दूसरे देश में जा करके सपन देखता न सपन न पश्यति, गत्वा देशान न पश्यति, एक तो ये है, क्यों पहला है तो क्या दिया अदीर्घत्वा कालस्य, कालस्य अदीर्घत्वा, काल वहाँ पे दीर्घ समझ उपयुक्त नहीं होने के कारण। सेकेंड तो देना है, मान लीजिए आप गए कल रात को, मैं सपना देखा कि कल जो है मैं हर्षल के कुटिया में जा करके हर्षल के साथ बैठ के खाना खाया, हाँ जी कल रात को मैं तो मुझे खाना खाना आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था। ये प्रतिबुद्धश्च, प्रतिबुद्धश्च सर्व, तस्मिन् देशे न विद्यते, ना मैं वहाँ पे उठता हूँ और जिसके साथ मिला था वो भी तैयार नहीं होगा मानने के लिए, नहीं कल आप नहीं आते कैसे बोल रहा है, इसीलिए वो सत्य नहीं है। प्रतिबुद्ध मतलब जब जागता हूँ मैं हर्षल के कुटिया में आपको नहीं मिलता, ना मेरे को बम्बई में मिलता, अपना फटाफटाना जो है ट्रंक के ऊपर सोया हुआ मिलता है शरीर को, तो इसीलिए जो है ये जो अप्रतिबुद्ध जागने के बारे सर्व वही सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते, जो भी कुछ देखा था जहाँ गया था उस देश में हमको अपने को उपलब्ध नहीं होता, जिसके साथ मिला था ना उपलब्ध होता है और जिस देश में गया था ना वहाँ उपलब्ध होता है।
इसलिए अभी क्या हो गया कि एक हो गया काल की मतलब यथार्थता नहीं है। दूसरी बात क्या है, जिसके साथ हमने मिला था, जिस जहाँ पे हमने गया था वहाँ पे मैं नहीं जगता हूँ। स्वप्न देखते देखते किसी ना के जगह जा रहे, उठू उठा के मैं गया था कहाँ ऋषिकेश में, वहाँ पे गंगा नहा रहा था, मेरे को उठा दिया। यदि वहाँ पे गया होता तो हमको कहाँ मिलता, मेरे को गंगा जी भी मिलता। चलिए ऐसे नहीं मिलता, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा दिशा न पश्य प्रतिबुद्धश्च वै सर्व, जितना जग जगा हुआ स्मृति तस्मिन् देशे न विद्यते। कुछ भी वहाँ पे जिस देश को मैं गया था, जहाँ पे शरीर गए थे, और फिर अथवा कि वहाँ से वापस आए, जिन लोगों से सामने मिला था वो कोई भी हमको जगने के बाद नहीं मिलता, इसलिए मेरे साथ भी पुष्ट मिलता। इसलिए यहाँ पे देखिए भाष्यकार बोल रहे हैं, स्वप्न दृश्याना भावाना अंत संहित स्थान विधि एक असिद्धम। अपने क्या था, स्वप्निक भावा मिथ्या अंत संहृतवा, ये जो होता है एक कथन आपका सही नहीं है। स्वप्न दृश्यानाम भावानाम, स्वप्न में दिखाई दे रहा है विद्यमान वस्तुओं का अंत संहृत स्थान, मतलब अयथार्थ स्थान, यथार्थ स्थान नहीं है। ये जो आपने कहा इति इतर असिद्धम, शरीर के अंदर ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों, जस्मात, क्योंकि क्या होता है देखो, प्राच्येषु सुप्त उदंशु स्वप्नान पश्यन इव दृश्यते, है ना, सोया है अरुणाचल प्रदेश में और स्वप्न देख रहे हैं कि मुंबई के सी बीच में मरीन ड्राइव में, बोल रहे ना, जस्मात प्राच्येषु सुप्त, पूर्व दिशा में कहीं पे वहाँ पे सोया हुआ व्यक्ति, उदंशु उत्तर दिशा तो दक्षिण वो पश्चिम दिशा में स्वप्नान पश्चिम स्वप्न को देखते हैं। उदंशु मैंने उत्तर दिशा, प्राच्य में सोया है, मैं उल्टा उत्तर दिशा था पश्चिम दिशा में, उधर वहाँ पे जो है वो स्वप्न देख रहे हैं। दिन में रात में सोया, दिन में स्वप्न देखता है, रात में सोया दिन में स्वप्न देखता है, और देखने के लिए आँख खुला होना चाहिए, आँख बंद करके देखता है कि कई चीज जो है मतलब तालमेल नहीं बैठते, इसलिए स्वप्निक वस्तु को मिथ्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं उदंशु उत्तर दिशा में स्वप्नान पश्चन इव, वो स्वप्न वस्तु को देखते हैं जैसा दृश्यते ऐसा दिखाई पड़ता है। इति एत इस आशंक, ऐसा इस प्रकार से स्वप्निक वस्तु संबंधी शंका उठाने पर उसका उत्तर में कहते हैं। इति एत मतलब इस प्रकार से इस एतत शब्द के द्वारा इस शंका को, इस एत से क्या लेंगे, इस शंका को निराकरण करने के लिए अगला श्लोक, इस शंका को, ठीक है। यस्मात् प्राच्येषु सुप्त उदंशु सप्तन पश्चन इव, इव मतलब क्या है, इस इसके तरह क्या दिखा है, जो दिखाई दे रहा है आभास है, परमार्थिक नहीं है, स्वप्नन पश्चन इव दृश्यते दिखाई देता है। इति एतत् इस प्रकार से इस शंका का, इस एतत् शंका या शंका, इस शंका को पहले उठाते हैं। एक नंबर टिप्पणी अनुसार आशंक्य मतलब उद्भाव्य, इस शंका को उठा करके अनुरूप कार्य का कार्य, मतलब अगला श्लोक के पीछे क्या शंका था उस शंका को भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं। उत्तर कहाँ से आ रहा है, मंडूप कारिका से, शंका जो हमारी मन में है वो भगवान भाष्यकार उठा रहे हैं, और उत्तर कहाँ से आ रहा है, मंडूप कारिका से, इसीलिए हमें बोलते हैं उद्भाव्य, शंका को उठा करके और फिर उसका उत्तर देते हैं। वो शंका क्या है देखिए, अपना न देहात बहिर देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति, स्वप्न दृष्टा पुरुष, ठीक है ना, देह से बाहर जा देशांतर में जा करके स्वप्न न पश्य, स्वप्न को नहीं देखता, न ऊपर चढ़ा है, ये हमारा उत्तर है। शंका जब करेंगे तो उसका उत्तर इति आश एतद आशंक्य, ऐसा शंका करके फिर आह उसको उत्तर में बोलते हैं। आह का कर्ता कितना कौन होगा, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, आह कल बताया था भूत हम उपाय अनुपमन उपाय थर्ड पर्सन, उसका उत्तर में बोलते हैं कोई बोल पाता चाहिए उसको उत्तर में बोलते हैं, उसको भाष्य करेंगे। न देहात बहिर देशांतरम गत्वा स्वप्न, देहात बहिर शरीर से बाहर कोई दूसरा देश में जा करके स्वप्न न पश्यति, स्वप्न को नहीं देखता है। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं, तस्मात क्योंकि सुप्त मात्र एव देह देशात योजन शतांतरिते मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्यन इव दृश्यते, सोए हुए के साथ साथ ही तुरंत एक सेकंड में दो सेकंड में जहाँ जाने में आपको एक महीना लग जाएगा, मतलब पहले जमाने में ऐसा फ्लाइट नहीं थी, पैदल अथवा रथ आदि नहीं जाते तो पहले तो वहाँ पे जाने भगवान भाष्यकार पैदल ही परिक्रमा करना पड़ेगा, जहाँ पे जाने में कम से कम एक महीना समय लगता है वहाँ पे आप एक सेकंड में पहुँच जाए,
इसलिए बोलते हैं यस्मात् सुप्त मात्र एव, सोने मात्र से ही, सुप्त मात्र मतलब शयन समानांतरम एव, टिप्पणी में दो नंबर टिप्पणी, ठीक सोने का ठीक बाद में शयन समानांतरम जस्ट राइट आफ्टर यूर गोइंग टू बेड, ये शुरू हो जाता है। यस्मात् सुप्त मात्र एव देह देशात्, शरीर स्थान से, शरीर जिस देश में है उस देश से, शरीर जिस देश में है उस देश से भिन्न स्थान, योजन शतांतरित मतलब सौ सौ योजन मतलब सौ योजन कितना कितना One योजन is eight. Eight. Eight mile. Eight mile. आठ सौ माइल जाने में उस समय मान लीजिए एक महीने समय तो पैदल चल के लगी जाएगा, इसलिए बोलता है योजन शतांतरित मास मात्र का, यदि खूब जल्दी भी जाएगा तो भी एक मात्र एक महीना समय लग जाएगा। देश स्वप्नान पश्चिमी वो वहाँ पे जाकर के सपना देखता है, इस प्रकार ईव बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह पे ईव आ रहा है, देखिए कि स्वप्नों पर ऊपर भी बोलते हैं उदम उदमशु स्वप्नान पश्चिम ईव, ठीक है ना, दृश्यते इति एतत् आह, फिर आगे बोल रहे हैं आपका, और फिर आगे यहाँ भी बोलते हैं कि स्वप्नान पश्चिम ईव दृश्यते, दोनों जगह पे ईव आए हैं, मतलब प्राति स्वप्न की प्रातिभाषिक कथा को समझाने के लिए ईव का प्रयोग किया भगवान महाराज। तो यहाँ पे इतना समय लगना है परंतु हम एक सेकंड, यानी कि क्या हो गया कि काल की भी अनियमितता है, जिस प्रकार स्थान की अनियमितता अनुपयुक्त स्थान, इसी प्रकार अनुपयुक्त काल यथार्थ उचित काल भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तस्मात् सुप्त मात्र एव देह देश देशांतरा जन वहाँ पे देशांतर जन शतांतर मास मात्र प्राप्ति दिशा स्वप्नान पश्चिम ठीक है नहीं मिले पहले वाला।